बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटने के बाद सौरभ गांगुली अब बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष पद की रेस से भी बाहर हो गए हैं। सौरभ गांगुली की जगह उनके बड़े भाई इसने आशीष गांगुली बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष बनेंगे। 31 अक्टूबर को वार्षिक आम बैठक में उनके शीर्ष पद के लिए निर्विरोध चुने जाने का रास्ता भी साफ हो गया है। गौरतलब है, नामांकन के आखिरी दिन सौरभ गांगुली ने अध्यक्ष पद के लिए नामांकन पत्र नहीं भरा। अंतिम समय में उनके बड़े भाई का नाम सामने आया। कोलकाता के ईडन गार्डन में पत्रकारों से पूर्व भारतीय कप्तान गांगुली ने कहा, मैंने कहा था कि मैं तभी दावेदारी पेश करूंगा जब चुनाव होंगे। चुनाव नहीं हो रहे हैं, इसीलिए सभी को निर्विरोध चुना जाएगा। उन्होंने कहा कि नई टीम बंगाल क्रिकेट संघ को चलाएगी, अगले 3 सालों के लिए वे काम करेंगे। नई टीम चलाएंगे, उनको चलाना है। They're all experienced players. It's not that difficult, तो वो चलाएंगे। हाँ, कॉन्टेस्ट तो हुआ नहीं, इलेक्शन हुआ नहीं, तो मैं अगर रहता तो किसी और को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता इस एसोसिएशन में काम करने के लिए। 3 साल वो काम करेंगे, उसके बाद देखेंगे। लॉट्स टू डू। गौरतलब है, बीसीसीआई अध्यक्ष पद से हटने के बाद सौरभ गांगुली ने ऐलान किया था कि वो बंगाल क्रिकेट संघ के अध्यक्ष के तौर पर वापसी करने के लिए चुनाव लड़ेंगे। रविवार को उन्होंने कहा, लेकिन अब उन्होंने अपना फैसला बदल लिया है। रविवार को उन्होंने कहा, अगर मैं चुनाव लड़ता तो फिर 2 या उससे अधिक लोगों को कोई पद नहीं मिलता, इसीलिए मैं हट गया। गांगुली ने कहा, मैं निर्विरोध चुना जाता, लेकिन मुझे लगा कि यह सही नहीं है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें, ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।